27 मई 1997 आसमान में एक जोरदार धमाका सुनकर इस्लामाबाद के निवासी अपने घरों से बाहर निकल आए। ये आवाज न तो किसी मिसाइल के धमाके की थी और न ही आसपास किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई थी, बल्कि यह आवाज भारतीय MiG-25 विमान की थी जो 15 सालों से पाकिस्तान में घुसकर जासूसी कर रहा था। और ताज्जुब की बात तो यह थी कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार यह जानते हुए भी कि एक भारतीय लड़ाकू विमान उसकी जासूसी कर रहा है, फिर भी वह चुप थे। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के इसी गुप्त लड़ाकू विमान के बारे में जानेंगे जिसने 15 सालों तक पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसकी जासूसी की और उसके कई गुप्त राज खोले। कई अन्य प्रतिष्ठित हथियारों की तरह MiG-25 की उत्पत्ति का कारण भी शीत युद्ध था। 1950 के दशक में सोवियत संघ पर लगातार नजर रखने के लिए अमेरिका ने अपने जासूसी विमान U-2 को तैनात किया था। चूँकि यह विमान 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था, इसलिए सोवियत संघ का कोई भी विमान इस विमान के आसपास भटक भी नहीं सकता था। हालांकि 50 के दशक के बाद यह स्थिति समाप्त हो गई क्योंकि सोवियत संघ ने अब तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया था। बाद में सोवियत संघ ने अमेरिका के एक U-2 विमान को मार भी गिराया, लेकिन सोवियत संघ यह समझ गया था कि अमेरिकी विमान द्वारा उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए उन्हें उस ऊंचाई तक काम करने वाला एक इंटरसेप्टर जेट विकसित करना ही होगा। सोवियत संघ यह समझ गया था कि उन्हें एक ऐसे विमान की जरूरत है जो न सिर्फ अमेरिकी जासूसी विमानों का मुकाबला कर सके, बल्कि वह B-52 और B-58 जैसे हाई अल्टीट्यूड वाले बम वर्षक विमानों का भी मुकाबला कर सके। उन्होंने MiG-25 को 1970 के दशक में बनाकर तैयार कर लिया। इस विमान की विशेषता सुपरसोनिक स्पीड और मैक्सिमम सर्विस सेलिंग की थी जो 89,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। MiG-25 के पास पारंपरिक विमानों की तरह कोई सुरक्षा भी नहीं थी, लेकिन वह बेफिक्र होकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकता था क्योंकि किसी अन्य देश के पास ऐसा विमान मौजूद ही नहीं था जो इसके गति और इसके ऊंचाई के आसपास भटक भी सकता। नतीजतन सतह से हवा में मार करने वाली अमेरिकन मिसाइलें भी MiG-25 का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। MiG-25 न केवल जासूसी के लिए बल्कि यह सर्वेलाइंस और बॉम्बिंग के लिए भी सबसे बेहतर था। वो अपने पंखों में 500 किलो के 6 मिसाइलों को ले जा सकता था। सोवियत संघ ने MiG-25 को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी जोड़ा। सोवियत संघ ने इस विमान को दुनिया से कई सालों तक गुप्त रखा और यही वजह थी कि अमेरिका समेत नाटो सेना ने MiG-25 की विशेषता को समझने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सके। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में भारत को MiG-25 की पेशकश की। भारत निगरानी के लिए जिन कैमरा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था वे काफी पुराने हो चुके थे, इस वजह से दुश्मन उन्हें आसानी से ढूंढ सकता था। जासूसी उपग्रह भी उस समय भारत के लिए एक दूर का सपना था, इसलिए भारत ने MiG-25 विमान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1981 में भारत ने MiG-25 एयरक्राफ्ट खरीद लिया। इसके बाद भारत ने सोवियत यूनियन से सैकड़ों एंटोनोव विमान खरीदा। पश्चिमी परिवेशकों ने इसे भारत और सोवियत यूनियन के बीच एक बड़ा सैन्य सौदा माना। सोवियत संघ से खरीदे गए विमानों को उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात किया गया और तो और भारत ने इनके लिए अंडरग्राउंड बेस भी बनाया क्योंकि इन एयरक्राफ्ट के मिशन टॉप सीक्रेट थे। यह मिशन कितने गुप्त होते थे आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि मिशन कमांडर के अलावा पायलट और तकनीकी अधिकारी को ही मिशन की जानकारी होती थी। मिशन तभी शुरू होता था जब मिशन कमांडर द्वारा बताए गए मार्ग, ऊंचाई और लक्ष्य जैसे प्रमुख घटकों को तकनीकी अधिकारी द्वारा विमान के कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जाता था। फिर पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के बाद 4 अवेक्षण कैमरों की मदद से लक्षित स्थान के चित्र खींच लिए जाते थे। यह कार्य विमान के चालक द्वारा या कंप्यूटर में भरे गए पूर्व प्रोग्राम के जरिए किया जाता था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के सुरक्षा घेरे की तैनाती और उसके ठिकानों की अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना था। विमान के वापस लौटने के बाद इसके द्वारा लिए गए चित्रों का सूक्ष्म निरीक्षण यानी बारीकी से जांच किया जाता था और मिले हुए जानकारी को अत्यंत गुप्त तरीके से इस मिशन से जुड़े हुए अधिकारी तक आगे भेज दिया जाता था। उस समय MiG-25 प्रति माह 20 उड़ाने भरता और पाकिस्तान के अंदर जाकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करता था। यह अभियान कितना गुप्त था आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि अभियान की गोपनीयता को देखते हुए किसी प्रकार की कोई कागजी कार्रवाई नहीं की जाती थी। भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट MiG-25 पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए था और यह बात पाकिस्तानी सेना और सरकार अच्छे से जानती थी, लेकिन उनके पास उस समय ऐसा कोई विमान नहीं था जो इतनी ऊंची उड़ान भर सकने में सक्षम था। और यही बात थी कि पाकिस्तान को यह जानकारी अपने ही लोगों से गुप्त रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन 1997 के दिन MiG-25 के अचानक सुपरसोनिक गति पर चले जाने के कारण उससे सोनिक बूम उत्पन्न हो गई और इस आवाज के साथ
पाकिस्तानी जनता के सामने इस रहस्य से पर्दा उठ गया। भारत ने बाद में न केवल पाकिस्तान के आधिकारिक दावों का खंडन किया बल्कि यह मानने से भी इनकार कर दिया कि एक भारतीय एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद की जासूसी कर रहा था। MiG-25 विमान जो पिछले 15 सालों से पाकिस्तान पर नजर बनाए हुआ था, अचानक उस दिन वह सुपरसोनिक स्पीड पे कैसे चला गया, यह भी आज तक एक रहस्य है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यह बात तो सच है कि भारतीय वायुसेना का MiG-25 एयरक्राफ्ट जो 15 सालों से ज्यादा से पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान उसका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान बात बात पर भारत से लड़ने की धमकी देता है, जबकि असल में वह भारत के एक एयरक्राफ्ट को भी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान चाहे अपने आप को कितना भी मजबूत बना ले, भारत उससे 100 कदम हमेशा आगे ही रहेगा। दोस्तों हमें पता है कि आपने अगर इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपको एक भारतीय होने के नाते गर्व जरूर महसूस हुआ होगा। ये जो गर्व आपको हुआ है उसे आप अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें व्हाट्सएप या फेसबुक पर, ताकि वो भी गर्व महसूस कर सकें। अगर आपको वीडियो में हमारा काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पे ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।